की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दिल्ली के दंगल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। दिल्ली में महिला पहलवानों का धरना आज चौथे दिन भी लगातार जारी है। आज सुबह सुबह पहलवानों ने जंतर मंतर पर कुश्ती की, एक दूसरे को जमकर पटकनी दी। दरअसल पिछले चार दिनों से विश्व चैंपियन रेसलर्स जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण पर FIR की मांग लगातार कर रहे हैं और FIR दर्ज न होने से नाराज भी हैं। पहलवान दूसरी बार धरने पर बैठे हैं। इससे पहले जनवरी के पहले सप्ताह में भी इन्होंने धरना दिया था, जिसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले PT ऊषा की अगुवाई में कमेटी बनाई, लेकिन खिलाड़ियों का आरोप है कि कमेटी ने न तो कोई जांच की और न ही उनसे कोई संपर्क साधने की कोशिश की। ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR न होने से नाराज खिलाड़ी एक बार फिर से धरने पर बैठ गए। कल सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और अब इस पूरे मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। उधर विपक्षी दल और खाप पंचायत भी खिलाड़ियों की तरफ से खुलकर सामने आ गए हैं। दिल्ली की तस्वीरें, जहां पहलवानों का धरना आज भी जारी है। जंतर मंतर पर कुश्ती करते नजर आए पहलवान और लगातार ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR की मांग की जा रही है। सभी का कहना है कि हमने शिकायत की और शिकायत किए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, और जब जो हमारे लीगल टीम है उनका जो निर्देश होगा उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारे साथ हमें न्याय मिल जाएगा तो हम आराम से उठ के चले जाएंगे। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। वो सोर्सेज पता नहीं हमारे पास क्यों नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं साफ छवि का आदमी हूँ, लेकिन वो जो हमारी विक्टिम उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे की वो लालच दिया जा रहा है। ये कौन से शरीफ लोगों के काम है? मुझे तो नहीं लगता ऐसे शरीफ लोग तो हम हैं। यहाँ बैठे हैं, सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। हम तो किसी को मनाने के लिए नहीं जाए। और अमृत प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बजरंग पुनिया का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी मिल रही है, उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में लिखा है कि आप देश के लिए पसीना बहाते हैं, आप देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतते हैं और संसद से कुछ दूरी पर ही जंतर मंतर की सड़क लगती है और वहां पर बैठ करके आप चार दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और फिर वो आगे उस कड़ी को जोड़ते हुए राहुल गांधी की भी बात सामने आती है कि आपने बीते कुछ दिन पहले देखा होगा मोनिका कि राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP तागती हुड्डा एक नोटिस लेकर के पहुंचते, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका एक बयान सामने आता है, उसको लेकर के नोटिस लेकर के पहुंचते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने उसको ट्वीट में साझा करते हुए बताया कि एक छोटी सी शिकायत पर जब इतना बड़ा एक्शन हो सकता है तो यहाँ पर तो उनके पास एविडेंसेज हैं। इन्होंने 60 की संख्या में, जिसमें से एक माइनर गर्ल भी है, उसने भी शिकायत दर्ज कराई है, तो उस पर FIR की जा रही है। और इधर हम बात करें बजरंग पुनिया की, जैसा आपने पूछा, तो बजरंग पुनिया बीते चार दिन से ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धमकी भरे जो फोन कॉल थे वो भी उनके पास आए, कुछ लोगों ने धमकाने का भी प्रयास किया। जब भारत एक्सप्रेस ने बजरंग पुनिया से इस बारे में बातचीत करना चाहा तो उन्होंने कहा कि देखिए जो धमकी देने की बात है उसको अभी हम फिलहाल साझा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब हमसे इस बारे में पूछेगा तो हम उस बारे में सुप्रीम कोर्ट को जरूर बताएंगे और कहीं ना कहीं वो चीजें हम सुप्रीम कोर्ट में ही साझा करेंगे। ठीक अमृत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।